भाई तू वन पीस देख ले भाई, मतलब कितनी बार बोलूं, वन पीस बेस्ट चीज है। मेरे को डिस्कस करने वाला कोई चाहिए, एक बार स्टार्ट तो कर, तेरे को बहुत मजा आएगा। तेरे को फिर रियलाइज नहीं है तो अपनी लाइफ में क्या क्या मिस कर रहा है, इतनी शानदार चीज है, आई गारंटी तेरे को बहुत ज्यादा पसंद आएगा। एक बार बस देखना स्टार्ट कर, मतलब 1000 एपिसोड इतना तेरे को बहुत बड़े लग रहे होंगे, बट इतने बड़े नहीं है एक बार खत्म होने के बाद। यार तू यार यार पीछे पड़ना बंद कर यार। रोज रोज पीछे पड़ जाता है तू। 1 साल हो गया है। अबे तू देखना, मतलब पीछे क्यों पड़ रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ तू देखे। प्रेमिस कुछ ऐसा है वन पीस का। देयर इज अ गाय नेम्ड मंकी डी लूफी। ही इज मेड ऑफ रबर सो ही कैन डू शुम। उसका हर पार्ट रबर की तरह खिंच सकता है, बड़ा हो सकता है, मोटा हो सकता है। आई नो व्हाट यू थॉट बट वी डोंट नो अबाउट दैट। उसके लिए हमें दूसरी साइड्स पे जाना पड़ेगा। एंड वो पायरेट किंग बनना चाह रहा है। अपना पास्ट पायरेट किंग है गोल्डी रॉजर, उसने अपना सारा खजाना छुपाया हुआ है। एंड उसको बोलते हैं वन पीस। सो वहीं शो का नेम वन पीस वहां से आता है। अपना जो मेन कैरेक्टर है लूफी, वो पायरेट किंग बनना चाह रहा है। एंड ये बेसिकली उसकी स्टोरी है। उसकी स्टोरी को फॉलो करता है कि वो क्या क्या करेगा टू बी पायरेट किंग। तो मैं बहुत सेक्सी सेक्सी फाइटिंग सीन देखने को मिलेंगे, बहुत अच्छे अच्छे फाइटिंग सीन, जो कि देख के मजा आ जाएगा। एडवेंचर वन पीस है, पूरा एक एडवेंचर एनिमे। तो मैं लाइक पूरा एक जर्नी जो तुम्हें पूरी चल रही है ये। उसके बाद मिस्ट्री एंड थ्रिलर। मिस्ट्री, तुमने वन पीस फेमस है इन सब चीज़ों के लिए कि लाइक जो मिस्ट्री बना रखी है, जो कब जाके मिस्ट्री बनाई थी एकदम 100 200 एपिसोड में जाके मिस्ट्री वो बनना स्टार्ट हुई थी, अभी तक कुछ चीजें मिस्ट्री हैं। और जो अभी रिवील हो रही है वो ऐसा है कि लाइक वर्थ वेटिंग, कि पूरा सीरीज के इतने एंड जाके वो चीजें बताए जा रहे हैं, वो मिस्ट्री रिवील हो रही है, कुछ ना कुछ ओड़ा कुछ अलग ही निकाल के लाते हैं। उसके बाद साइफाई, इवन लाइक एक तुम्हें कौन ही इमेजिन करेगा कि एक पायरेट वाले एनिमे में, जिसके तो पूरा पूरा पायरेट पे बेस्ड है, सी में घूम रहे हैं एक अपनी शिप लेके, उसमें साइफाई भी आ जाएगा। वन पीस में साइफाई भी है, ये वन पीस तुम्हें रुलाएगा भी। इसमें लाइक बहुत सारे सीन ऐसे हाथ पे गिनवा सकते हैं कि तुम अगर इसमें नहीं रहोगे ना भाई, पत्थर दिलो यार तुम, मतलब रो दोगे सच में, ऐसे ऐसे सीन है। तो बचपन में तुमने ड्रैगन बॉल जी देखा और तुम्हें लगता था वो बेस्ट है, पर तुम गलत थे। फिर तुमने लॉकडाउन में नारुतो देखा और तुम्हें लगा वो बेस्ट है, बट अब तुम वन पीस देखोगे और वो तो बेस्ट है ही। सो वन पीस की जो वर्ल्ड बिल्डिंग है ना, इट्स वन ऑफ द बेस्ट। लाइक देर इज एवरीथिंग। जो चीज आज बताई गई है फर्स्ट एपिसोड में, वो जो अभी चल रही है हमारे लाइक इन 1000 एपिसोड, इट्स एवरीथिंग इज कनेक्टेड। सो जो कैरेक्टर फर्स्ट एपिसोड में आया, सेकेंड एपिसोड में आया, जो साइड कैरेक्टर था, वो अभी भी कनेक्ट हो रहा है। एंड कनेक्ट का क्या बोले, मतलब उस कैरेक्टर का एक बहुत बड़ा रोल तक है। सो एवरीथिंग इज कनेक्टेड। अगर कोई चीज एक स्टार्टिंग में एक सीरीज में हुई है, लाइक एक पॉइंट ऑफ टाइम में, वो मैटर करेगी टिल द एंड। फ्रॉम द कैरेक्टर्स टू प्लॉट्स टू लाइक कैरेक्टर पर्टिकुलर एक चीज कर रहा है, वो भी कहीं ना कहीं मैटर करती है और वो कनेक्ट होगी आगे जाके। आज अगर कोई चीज हुई है तो उसका एक रीजन है। आज अगर किसी कैरेक्टर ने इसको मारा है या कुछ और किया है, तो सब कुछ कनेक्टेड है। वो आगे कनेक्ट होगा जाके, वो स्टोरी के लिए ही सर्व कर रहा है। एवरी कैरेक्टर, एवरी प्लॉट, एवरी लाइक आर्क सर्व्स द स्टोरी एंड बिल्ड्स इट्स वर्ल्ड। द वर्ल्ड जो बना हुआ है वन पीस का, इट्स नॉट जस्ट की 10 साल 20 साल, इट्स अ लिटल 1000 ईयर वर्ल्ड। द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ वर्ल्ड बिल्डिंग कैन बी हैरी पॉटर। हैरी पॉटर का जितना वो पूरा यूनिवर्स बना हुआ है, इट्स 100 टाइम्स मोर अमेजिंग। बहुत वाइड रेंज है अलग अलग केसेस की, तुम जो इमेजिन कर सकते हो तुम्हें उस काइंड का एक कैरेक्टर मिल जाएगा। हर एक कैरेक्टर की एक बहुत प्यारी सी एक बैक स्टोरी आएगी, जो कि तुम्हें लग रहा होगा शायद ये कैरेक्टर इंपॉर्टेंट नहीं है, या फिर इसकी बैक स्टोरी की तो जरूरत ही नहीं है। उसके आने से एक अलग इम्पैक्ट पड़ता है, एक अलग हिट करता है तुम्हें वो पूरा का पूरा सीन। एक बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स है कि तुम्हें लगेगा कि ठीक है वो उस समय आया था, उसकी बैक स्टोरी आई थी, मेरा कैरेक्टर अच्छा लगा, बट दैट्स ऑल। नहीं, उसके आगे बहुत हंड्रेड्स ऑफ एपिसोड्स के बाद वो वापस से रेलिवेंट बन जाएगा एकदम से। तुम्हें रियलाइज भी नहीं होगा कि हाँ तुम वो सब जानते थे, तुमने सब देखा हुआ है, अब वापस से उसके आगे की एक स्टोरी बन गई। वन पीस के विलेंस जब इंट्रोड्यूस होते हैं तब तुम्हें देखते ही लगता है कि अरे यार लूफी इससे तो फाइट नहीं करना चाहिए, अगर कर लिया तो कोई सेंस नहीं बनता कि एकदम से वो जीत जाएगा। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे फाइट होते होते हैं, तुम्हें एक डेवलपमेंट होता है, यहाँ भाई शायद वो जीत सकता है, शायद वो जीत सकता है। तुम्हें विलेन की बैक स्टोरी आती है जिसे तुम और रिलेट कर पाते हो, तुम्हें और लगता है कि हाँ भाई ये तो विलेन भी अच्छा है। ऐसे करते करते विलेन के लिए रेस्पेक्ट आती है इन द एंड। भले ही लूफी उसे जीत जाए, भले ही लूफी उसे हार जाए, तुम्हें उस विलेन के लिए रेस्पेक्ट आ जाएगी। और हमारा मेन कैरेक्टर लूफी एज अ कैरेक्टर काफी डेवलप हो चुका है। जो रियल लाइफ चैलेंजेस होते हैं
जो तुम आगे शायद फेस करने वाले हो, डिस्क्रिमिनेशन टाइप की चीजें होती हैं, उनका बहुत अच्छे से उन्होंने पोर्ट्रे किया है, बहुत अच्छे से समझाया है। वन पीस में ऐसे बहुत सारे तुम्हें सीन देखने को मिलेंगे जो कि हिट करेगा तरीके से। तुम्हें लगता होगा भाई वन पीस एक काफी कॉमेडी एक्शन एडवेंचर टाइप का एनिमे है, और उसके आर्ट को देख के कोई बोल ही नहीं सकता, लाइक कास्टिज्म, डिस्क्रिमिनेशन, इस सारी चीजों को भी लाइक इवन टच भी करेगा। ट्रस्ट मी, वन पीस इतने ब्यूटीफुल तरीके से चीजों को पोर्ट्रे करता है और इतने अच्छे तरीके से समझाता है ना, दिल छू जाएगा यार वो। हाउ वी स्टार्टेड वॉचिंग वन पीस, यार हुआ ऐसा, मेरे एक कजन भैया आए हुए थे और वो एनिमे देख रहे थे, कौन सा मुझे याद नहीं, तो उन्हें देख, मैं बगल में जाके बैठा, मैं देख रहा था, मुझे अच्छा लगा, मैंने पूछा अच्छा कार्टून देख रहे हो, तो उन्होंने पॉज किया, देखा, टमाटर मारा, नहीं भाई ये कार्टून नहीं है, ये है एनिमे। मैंने कहा अच्छा मुझे भी देखना है ये आपका एनिमे, तो उन्होंने मुझे बोला तू ये नहीं, तू ये देख वन पीस देख। मैं ठीक है वन पीस देखते हैं, तो उन्होंने मुझे 5 एपिसोड दिए, मैंने अपने ठीक है 5 एपिसोड तक देखा, तो फिर मैंने उनसे सारे के सारे एपिसोड ले लिए। उस दिन आई थिंक 649 एपिसोड्स तक आए थे, जो सारे सारे मैंने अपने कंप्यूटर में कॉपी कर लिए, और वो मैंने अपना पूरे एक साल भर बैठ के देखा है, और सबको फिर बैठा के दिखाया है मैंने, सबको बैठे बैठे मैंने फोर्स किया, जितनों को मैं जानता हूँ जो मेरे को लगता है देख सकते हैं, तभी मैंने फोर्स किया इसके जैसे। इंसान ने लिटरल स्कूल में बैठ के पूरा का पूरा एक आर्क मेरे को ड्रॉ करके एक्सप्लेन करके समझाया है कि उसमें क्या हुआ है, कौन कैरेक्टर है, सब कुछ, जो मेरे को बिल्कुल नहीं याद क्योंकि मैं बहुत नींद में था स्कूल में। इसने पूरा बताया था एंड स्टिल मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं आया। एंड एक दिन मैंने बस सोचा कि चलो देखते हैं, क्योंकि स्कूल में कौन सा हम अच्छा कर रहे थे ना, तो मैंने इससे कुछ आई गेस 30-40 एपिसोड्स लिए थे, 35 तक मैंने देखा था। वन ऑफ द बेस्ट मोमेंट चल रहा था उस टाइम का, कैरेक्टर नेम्ड नामी, मैं बस इतना ही बताऊंगा। एंड मेरे पास 36 एपिसोड नहीं था, एंड मेरे पास 37, 38, 39, 40 तक थे, बट मेरे पास 36 नहीं था। और एज 9th में बहुत अच्छे मार्क्स नहीं आए थे, तो घर वाले नेट तो नहीं यूज करने दे रहे थे, और मैं लिटरल एक हफ्ते रुका हूँ कि जस्ट मैं इससे मिलूँ और मैं 36 एपिसोड ले पाऊँ, जस्ट सो आई कैन वॉच इट। बस वो इज वन ऑफ द बेस्ट पॉइंट मैं बता सकता हूँ कि मैंने एक हफ्ते उसके लिए रुका हूँ, और अब मैं पिछले 6 साल से हर एक हफ्ते रुक रहा हूँ वन पीस के लिए। थैंक्स यार भाई वन पीस जैसा आने में दिखाने के लिए, लाइक वन ऑफ द बेस्ट थिंग पॉसिबल, थैंक यू भाई। तो मुझे थैंक यू मत बोल, बल्कि और 3 लोगों के पीछे पड़ के उन्हें तू वन पीस दिखा, और उन्हें भी यही बोलियो कि वो और 3 लोगों के जाके पीछे पड़े और उन्हें वन पीस दिखाए, ये दुनिया बदल जाएंगी।